उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री सत्यदेव पचौरी जी, यहाँ पर उपस्थित अन्य मंत्रीगण, विधायकगण, देवी और सज्जन, आज के इस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP समिट के प्रतिभागियों में मैं एक विशेष उत्साह का अनुभव कर रहा हूँ। लाभार्थियों और सरकार की टीम के सदस्यों में पॉजिटिव एनर्जी देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। ऐसा ही उत्साह मैंने इसी वर्ष फरवरी में आयोजित उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट में भी देखा था। विकास और जन कल्याण के लक्ष्यों के प्रति ऐसा उत्साह राज्य के निवासियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। स्पष्ट योजनाओं और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को लेकर जनहित में आगे बढ़ने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। कभी कभी मध्य प्रदेश में एक बहुत प्रतिष्ठित नगर है जबलपुर। जबलपुर में जब जाता था तो वहाँ नर्मदा नदी है। एक विशेषता बताई गई कि जो शिवलिंग आपको मिलते हैं वो नर्मदा नदी के जो भी पत्थर होगा उसका आकार जो है शिवलिंग का ही होता है। बहुत सारे उस स्थान पर जाते हैं केवल शिवलिंग के लेने के लिए, और उनकी मान्यता है कि ये शायद प्राकृतिक एक रचना है शिवलिंग की, इसलिए उसको और भी महत्व देते हैं। आज जब मैं प्रदर्शनी इस कार्यक्रम में आने से पहले प्रदर्शनी को देखने गया, मुझे सभी स्टॉल जितने भी थे सभी में उत्कृष्ट उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो देखने को मिले। उनके कारीगरों से बात हुई, उनका 20-20-30-30 साल का अनुभव अभ्यास आज काम आता है। लेकिन एक काउंटर पर जब मैं गया बुंदेलखंड का जुड़ा हुआ बांदा काउंटर, और बांदा जिले का एक काउंटर था जिसमें कि मुझे बताया गया कि कुछ पत्थर रखे हुए थे और उसमें कहा गया कि ये केन नदी जो बांदा के समीप बहती है उस केन नदी से निकले हुए पत्थर हैं। पत्थर तो पत्थर होते हैं, लेकिन उन पत्थरों को थोड़ा सा भी अगर पॉलिशिंग किया गया तो उन पत्थरों में जो उकर करके आकृति आती है वो मुझे लगता है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। प्रकृति की प्राकृतिक दृश्य की यदि छवि देखनी है और इस प्रकार के ऐसा लगता है कि शायद उनको उस पर आकृति को कुछ बनाया गया, लेकिन हर जगह आप देखेंगे पत्तियों का भी है, एक बड़ी बड़ी लताओं का भी है, कुछ उसमें देवी देवताओं के चित्र भी अंकित होते हैं। इस प्रकार से मुझे बड़ा आश्चर्य लगा और तब मुझे लगा अटल जी की याद आई। अटल जी अपने उद्बोधनों में हमेशा कहते थे उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश, और कभी कभी जब मेरी भेंट होती थी तो मैं उनको कहता था कि आप अपने संबोधनों में ये वाक्य तो कहते हैं लेकिन क्या विशेषता है, तो बार बार कहा करते थे कि इसकी खोज की जरूरत है, उत्तर प्रदेश की खोज की जरूरत है, और जिस जो उत्तर प्रदेश की खोज कर लेगा उसको पता लगेगा कि उत्तर प्रदेश कितना समृद्धशाली प्रदेश है। देश की संस्कृति, चिंतन और शिक्षा व्यवस्था को योगदान देने में उत्तर प्रदेश के निवासियों की सदैव अग्रणी भूमिका रही है। विभिन्न क्षेत्रों में उनके असाधारण योगदान के लिए देश के सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित कुल 45 विभूतियों में से टोटल अभी तक जो दिए गए हैं उनमें 11 भारत रत्नों की जन्मस्थली या कर्मस्थली
उत्तर प्रदेश के लोग होते हैं। और जब ये सबको जानकारी मिलती है कि सबसे अधिक प्रधानमंत्री किस प्रदेश के हैं, तो वो भी उत्तर प्रदेश। और कभी कभी तो लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश इतना सौभाग्यशाली है कि यहाँ पर जो भी चुनाव लड़ता है वो भी प्रधानमंत्री बनने का उसका सौभाग्य पूरा होता है। ये उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए, हम सब के लिए, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। ये रत्न परंपरा उसी कड़ी को आगे बढ़ाती है जिसमें संत कबीर, संत रविदास, सूरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी से लेकर मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान और गणेश शंकर विद्यार्थी जैसी विभूतियां शामिल हैं। मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश प्रतिभा वाला प्रदेश है, साथ ही उत्तर प्रदेश में विकास प्रदेश बनने के सभी स्थितियां, सभी उपकरण मौजूद हैं। केवल उन सबको तराशने की जरूरत है। और इसलिए मैं वर्तमान सरकार की जो प्रयास किए जा रहे हैं, मैं उन प्रयासों की सराहना करता हूं। उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी वर्क फोर्स है, अनेक उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान हैं, कृषि उत्पादन का प्रभावशाली रिकॉर्ड है, हस्त कौशल की प्रसिद्ध परंपरा है, ताजमहल और सारनाथ जैसे पर्यटन के विश्व प्रसिद्ध केंद्र हैं, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती, राप्ती और सोन नदियों का आशीर्वाद है और देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश में ही है। ऐसी अन्य कई विशेषताएं हैं जिनके बल पर ये राज्य एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, यानी 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को निकट भविष्य में प्राप्त करने की क्षमता रखता है। विश्व की जनसंख्या में भारत का जो अनुपात है, लगभग वही भारत की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का है। भारत समेत विश्व में ऐसा कहा जाता है कि केवल 5 देशों की आबादी जो है वो उत्तर प्रदेश से अधिक है। राज्य की 60% जनसंख्या वर्किंग एज ग्रुप है। भारत के विकास में उत्तर प्रदेश के विकास की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के विकास के बिना भारत के विकास की कल्पना करना सही मायने में अच्छा नहीं। सही मायने में जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा तभी पूरा भारतवर्ष विकसित होगा। भारत में MSME उद्यमों को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। ये उद्यम समावेशी विकास के इंजन हैं। कृषि क्षेत्र के बाद सबसे अधिक लोग इन्हीं उद्यमों में रोजगार पाते हैं। इन उद्यमों में अपेक्षाकृत कम पूंजी की लागत पर रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन उद्यमों के माध्यम से ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में रोजगार पैदा होता। देश के सर्वाधिक MSME उद्यम उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में, हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड का सबसे अधिक उपयोग इन्हीं उद्यमों में हो सकेगा। मुझे बताया गया है कि देश के कुल हस्तशिल्प निर्यात में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग 44% है। हस्तशिल्प, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग गुड्स, कालीन, रेडीमेड कपड़े, लेदर गुड्स में लगे उद्योगों से विदेशी मुद्रा और रोजगार दोनों ही दृष्टियों से लाभ होता है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के विकास में MSME उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पूरे देश में MSME क्षेत्र के लिए प्रभावी इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इसी जून के माह में MSME क्षेत्र के विकास को और गति देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आयोजित एक उद्यम संगम दिल्ली में जो आयोजित हुआ था, उसमें भाग लेने का मुझे अवसर मिला था। राज्य स्तर पर भी ऐसे कई प्रयास हो रहे हैं
उत्तर प्रदेश की यह ODOP योजना भी छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों तक MSME उद्योगों के लिए सहायक परिस्थितियां उत्पन्न करेगी। हमारे शिल्पकारों का हुनर बहुत ही प्रभावशाली है। ODOP योजना से स्थानीय कौशल और कलाओं का संवर्धन होगा तथा उत्पादों की पहुंच बढ़ेगी। इससे उत्तर प्रदेश के हर जनपद में शिल्पकारों की आर्थिक प्रगति होगी। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि जिन जिलों में विशिष्ट पहचान वाले उत्पादों की संख्या एक से अधिक है, कई ऐसे जिले हैं, वहाँ अधिक रोजगार एवं विकास की संभावना वाले उत्पाद का चयन किया गया है। मुझे ये भी बताया गया है कि एक जनपद एक उत्पाद योजना द्वारा 5 वर्षों में लगभग 25,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के जरिए 25 लाख लोगों को रोजगार दिलाने का लक्ष्य है, जिसका कि उल्लेख मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में भी किया। मुझे आशा है कि इस योजना से युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे, साथ ही साथ राज्य के समग्र और संतुलित विकास को बल मिलेगा। इस समिति में ई मार्केटिंग, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट और पूंजी निवेश में सहायता के लिए यहाँ उपस्थित संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ जो समझौता ज्ञापन हुए हैं, उनसे जिला स्तर पर उत्पादकों के लिए नए अवसर मिलेंगे। थिंक ग्लोबल एक्ट ग्लोबल की सोच के अनुसार स्थानीय कौशल को प्रोत्साहन देकर जनपदों के कई ऐसे उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लायक बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों के उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग है, लेकिन ऐसे बहुत से जिले और उत्पाद हैं जिन्हें इस योजना द्वारा समुचित प्रोत्साहन देकर उनकी क्षमता का व्यवसायिक उपयोग किया जा सकता है। कई नए ब्रांड विकसित किए जा सकते हैं। जब अम्बेडकर नगर के वस्त्र उत्पाद के कारीगर और श्रावस्ती में ट्राइबल क्राफ्ट में लगे शिल्पी राज्य सरकार से प्रभावी सहायता प्राप्त करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि निश्चय ही उनका उत्साह बढ़ेगा और उनके उत्पादों की गुणवत्ता भी बढ़ेगी, उनके उत्पाद अधिक मार्केटेबल हो सके। ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान देकर उत्पादों की विभिन्न बाजारों में बढ़त पहुंचाई जा सकती है। उपभोक्ता स्वयं उत्पादों तक नहीं आता, उत्पादों के प्रति उपभोक्ता की रुचि जगाने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। मेरा सुझाव है, जो मैंने आज प्रातः मुख्यमंत्री जी को मौखिक रूप से भी दिया था, कि देश के कुछ प्रमुख 7-8 नगरों में उत्तर प्रदेश के जनपदों के उत्पादों की लगभग 10 से 15 दिनों की एक प्रदर्शनी का आयोजित किया जाए, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल या मुख्यमंत्री की उपस्थिति द्वारा तथा मेजबान राज्य के राज्यपाल या मुख्यमंत्री को आमंत्रित करके ऐसे प्रदर्शनी के महत्व और इन उत्पादों के प्रति आकर्षण को बढ़ाया जा सकता है। हम लोग एक कहावत कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, बात भी सच है। जिनको जंगल जाने का अवसर मिलता है वही मोर का नाच देख पाते हैं, और कोई जरूरी नहीं। लेकिन जब उसी मोर का नाच देखने के लिए चिड़ियाघर उपलब्ध कराई जाती है, तो मुझे लगता है लोग, एक कारण ये भी होता है, वहाँ जो जंगल का मोर होता है उस मोर के नाच को देखने के लिए भी जाते हैं। अर्थात एक यदि आप ब्रांडिंग करेंगे, मोर को यदि चिड़ियाघर में पहुंचाया गया है केवल आकर्षण के लिए, और इसी तरीके से यदि आप अपने उत्पादों की ब्रांडिंग करेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश के ये जो हमारे चमकते हुए होनहार कारीगर हैं, शायद उनको बहुत मजबूती मिलेगी, और अंततोगत्वा जो प्रदेश की हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें बहुत बढ़ावा होगा। ऐसे उत्पादों के विषय में मैंने अपने कुछ विचार इन्वेस्टर समिट में भी साझा किए थे। हमें कुछ विकसित देशों से ये सीखना है कि कैसे हाथ से बनी हुई चीज़ों को आधुनिक ब्रांडिंग और मार्केटिंग के जरिए विदेशी मुद्रा कमाने, रोजगार बढ़ाने और देश की छवि को निखारने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। कोई भी हुनर या कौशल समाज के किसी वर्ग से जुड़ा नहीं होता है, ये अभी तक हम सब लोगों की मानसिकता रही है।
सचमुच में परिश्रम परिश्रम होता है, उसका कोई उच्च या निम्न स्तर नहीं होता है। कम परिश्रम के, लेकिन हमारी मानसिकता जो है वो कैसी है कि कम परिश्रम या कम परिश्रम के व्यवसाय या नौकरी की ओर आकर्षित होने की हमारी मानसिकता है। मुझे लगता है कि इस मानसिकता को हमें बदलना होगा। डिग्निटी ऑफ लेबर एंड रिस्पेक्ट फॉर स्किल में विश्वास करने वाला समाज विकास की दौड़ में सदैव आगे रहता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि इस योजना में सभी उत्पादों से जुड़ी पूरी प्रोसेस चेन और वैल्यू चेन पर ध्यान दिया गया है। मुझे आशा है कि इन प्रयासों के द्वारा उत्पादकों और ग्राहकों के बीच सीधा संपर्क और भी सुगम हो सकेगा। केंद्र सरकार की स्किल इंडिया मिशन, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, रोजगार प्रोत्साहन योजना तथा मुद्रा योजनाओं से इस योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस योजना में वो क्षमता है जिसके द्वारा अंतिम पंक्ति के लोगों को कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर प्रदान करके जमीनी स्तर पर व्यापक बदलाव लाया जा सकता है। विकास और कल्याण के मानदंडों पर पीछे रह गए देश के 117 आकांक्षी जिलों में, जिनको हम कहते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनमें उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। इनमें से 2 जिलों का उल्लेख करें तो बलरामपुर में फूड प्रोसेसिंग और फतेहपुर में बेडशीट बनाने का काम होता है। उन जिलों में ये योजना चेंज एजेंट का काम कर सकती है। मैं आशा करता हूँ कि इस योजना द्वारा होने वाला बदलाव इन आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कौशल विकास तथा वित्तीय समावेश के मापदंडों पर सुधार लाने में भी सहायक होगा। कुछ ही महीनों बाद पूरी दुनिया की निगाहें उत्तर प्रदेश पर होंगी। आप सब लोग समझ गए होंगे, इसीलिए तालियां बजा। जब इलाहाबाद के कुंभ में शामिल होने के लिए देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु और पर्यटक आएंगे, विश्व के सबसे बड़े मेले के आयोजन की तैयारी अब अंतिम चरण में है। इस मेले के आयोजन की सफलता के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और ये सचमुच कुछ वर्षों पहले जब मुझे जानकारी मिली तो कुछ मुझे विश्वविद्यालयों में बताया गया, जब मैंने आइडेंटिफाई किया कि आप जो PhD दे रहे हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उनमें एक विषय पर मुझे बताया गया कि एक ऐसा सब्जेक्ट हमने चुना है कि इतना इलाहाबाद का जो कुंभ होता है उसमें जो करोड़ों की संख्या आती है, उन श्रद्धालुओं की आस्था इतनी होती है कि बिना किसी सरकारी मैनेजमेंट के, कभी सरकारी मैनेजमेंट में भीड़ होती है, कुछ भी होता है, लोग सब कुछ होता है, भगदड़ भी होती है, लेकिन कुछ घटनाएं हो सकती हैं मामूली, लेकिन जहां पर करोड़ों की भीड़ हो उसमें ये कौन से ऐसे मापदंड हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से इतना बड़ा संगम का कार्यक्रम बिना किसी बाधा के ये संपन्न होता है। उस पर PhD की गई है। मुझे लगता है कि मेरा एक और सुझाव है, यदि संभव हो तो कुंभ मेले में भी प्रत्येक जिले के उत्पादों की एक बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन भी करना चाहिए। चरैवेती चरैवेती, हम सब लोग जानते हैं कि आदर्श को अपने जीवन में ढालने वाले और सबको प्रेरणा देने वाले राज्यपाल श्री रामनायक जी का मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य के निवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और पहले मुझे इतना समझ में नहीं आया था जब मैं बिहार का राज्यपाल था, लेकिन जब मैं यहाँ पर आ गया दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में, तो मैंने एक पिछले के जो कुछ मापदंड कहें या कुछ थे उनको मैंने निकलवाया। मैंने कहा किस प्रदेश में, जो सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, तो वहाँ पर राज्यपाल यदि चुना गया तो आखिर उस राज्यपाल में तो कुछ विशेषता होगी, और वो है हमारे राज्यपाल माननीय रामनायक। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में
आज जो आप सब लोग बैठे हैं ये महत्वाकांक्षी केवल सरकार का नहीं है, ये महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पूरी जनता का है। और आप सब लोग जो यहाँ एकत्रित हैं वो इस कार्यक्रम के साक्षी हैं, और साक्षी होने का एक अपना नैतिक दायित्व होता है। मैं इसलिए आप सबसे अपील करूँगा कि ये कार्यक्रम की सफलता में आपका जो भी योगदान हो सकता है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, वो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के सुखद भविष्य के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के अच्छे भविष्य के लिए आप बराबर प्रयास करते रहें। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में उत्तर प्रदेश के अनेक नए उत्पाद देश और विदेश के बाजारों में अपनी पहचान बनाएंगे। ऐसे बदलाव से समावेशी विकास को बल मिलेगा और जनपदों के उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की इस जनहितैषी ODOP योजना की सफलता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ। धन्यवाद। जय हिंद।